समय से बाकी अमन के स्कूल में बाउंड्री न बा ना शौचालय बा ना लाइन बा जात ने पानी पिए लिया है तो कुकुर उठा दे तो हमने के मास्टर साहब बोलन जा कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? हमारे विद्यालय में 45 बच्चे हैं। छात्र छात्राएं मिलाकर? हाँ दोनों मिलाकर। टीचर कितने हैं? टीचर 2 हैं। हमारे विद्यालय में समस्या ये है कि ये 10-11 में विद्यालय बना है और तब से यहाँ इंडिया मार्क का मशीन कहने में कि अब तक लगा ही नहीं है। बच्चे गांव के मशीनों से पानी पीते हैं। तो आप लोगों ने मतलब प्रयास किया था? प्रयास तो हर साल वो विद्यालय का भर करके डाटा जाता है, उसमें हैंडपम्प नहीं है तो पानी कहाँ पी जाएगा? दूसरा तो कहाँ बोले ना जाए कि पानी बिगड़ जाता पैसा देवो जब बनाए की तरी कुछ मशीन बैठे ना। दूरी विद्यालय के बगल में ही लोगों का घर है तो उस मशीन से पानी लाते हैं, सब पीते हैं। वो लोग कुछ बोलते? हम लोग भी उसी मशीन से पीते हैं। वो लोग कुछ बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं अब उनका मशीन खराब होगा तो उसमें जो 10-20-50 लगेगा उसमें खर्च देना ही पड़ेगा बनवाने के लिए। कहते कहते हम लोग तंग हो गए हैं। जहाँ विद्यालय बनता है वहाँ हैंड पंप आता है लेकिन यहाँ लगा नहीं। तो क्या चाहते हो जा? हम तो चाहते हैं कि हमने के बाउंड्री हो जाए तो एम कॉल गढ़ जाए तो ना कुकुराई ना बिलाराई ना जुठारी ना कुठारी। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि मऊ जनपद के BSA के मोबाइल नंबर 94-53-00-41-07 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। मैं सतेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से इंडिया अनहट के लिए।